हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हूं अक्रम शाह और आप देख रहे हैं मॉड्यूलर वुडवर्किंग एंड फैब्रिकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एशियन पेंट का पीपीजी एस्पा कार फिनिश पेंट, जो कि सुपर सिंथेटिक एनामेल होता है, उसको फर्नीचर पे कैसे करते हैं। देखिए, ये पीपीजी पेंट है एशियन पेंट का, आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर लिखा है, देखिए ये एस्पा कार फिनिश, इसका ये उल्टा दिख रहा है कैमरे में, ये एस्पा कार फिनिश इस पर लिखा है। और ये एशियन पेंट का प्रोडक्ट है दोस्तों, और बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये हमने किया है फर्नीचर में, इस वीडियो में पूरा आपको प्रोसेस बताएंगे इसका, इसको करने का क्या प्रोसेस है। और ये HDHMR वुड में हमने किया है, HDHMR की अलमीरा है, बेड है और वैनिटीज हैं, स्टडी टेबल है और बहुत सारा फर्नीचर है जिसमें हमने इसको इस्तेमाल किया है। और ज़बरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों, क्योंकि ये एक तो प्यू पेंट से बहुत कम प्राइस में ये पड़ेगा आपको, अगर आप करवाना चाहते हैं फर्नीचर में। और फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त है इसकी, फिनिशिंग तो एकदम प्यू पेंट के जैसी है, और लेकिन प्राइस इसका बहुत कम है। तो इस वीडियो में सारा कुछ आपको बताऊंगा कि किस प्राइस में आपको ये मिल जाएगा और कितना इसमें करने में कॉस्ट आएगा, और स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको समझाया जाएगा। आप पूरा देखिए इस वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि इसमें सारा कुछ बताने वाला हूँ मैं एशियन पेंट के पीपीजी एस्पा कार फिनिश पेंट के बारे में, सुपर सिंथेटिक एनामेल के बारे में, और सारा कुछ दिखाएंगे आपको इसमें कि क्या इसका प्रोसेस होता है करने का और कैसे ये किया जाता है। जैसे कि आप इस साइड में वीडियो देख रहे हैं, आप इसको पूरा देखिए। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो मॉड्यूलर वुडवर्किंग एंड फैब्रिकेशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ मिलते रहेंगे इसी तरह के वीडियोज, नॉलेजेबल वीडियोज, जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये अलमीरा है, यहाँ पे जो कबर्ड बना हुआ है, ये इसके सारे डोर्स और ड्रॉर्स हमने निकाल दिए हैं जो कि बाहर रखे हुए हैं। ये अलमीरा बड़ी है तो ये बाहर नहीं जा सकती, इसलिए इसका जो बॉर्डर है और जो एज है HDHMR की, वो सारे में हमने फिलिंग कर दी है यहीं अंदर। और फिलिंग आप देख लीजिए, जहाँ भी गड्ढे हैं या कील स्क्रू के निशान हैं, वहाँ पे आपने फिलिंग कर लेनी है ठीक से, क्योंकि HDHMR वुड है ये और इसमें फिनिशिंग पहले से ही बहुत अच्छी होती है, इसमें ज़्यादा बेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके सारे ड्रॉर्स और डोर्स हमने बाहर निकाल के रखे हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप मॉड्यूलर वुडवर्किंग एंड फैब्रिकेशन चैनल पर देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और किसी भी प्रकार के पॉलिश एंड पेंट का काम कराने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये ड्रॉर्स रखे हुए हैं, एक ये अलमीरा है यहाँ पे, ये कॉर्नर अलमीरा है जो कि छोटे साइज की है, मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख लीजिए, इसमें ऊपर HDHMR वुड की स्लाइडिंग लगी है, नीचे सेंटर में सेम वही बॉम्बे हैंडल प्रोफाइल का बीच में मिरर लगा के स्लाइडिंग हमने बनाई हुई है, और अंदर इंटरनल दो ड्रॉर इसमें दिए गए हैं, नीचे डाउन में भी दो ड्रॉर इसमें दिए गए हैं, सेम इसमें भी बॉर्डर में और इस साइड में सारा एस्पा का ऑफ वाइट हम पेंट करेंगे। तो हमारे साथ हैं पीयू पॉलिश एक्सपर्ट, जिनसे कि हम जानेंगे कि जो एस्पा का ये पेंट इसमें करने वाले हैं और जो कि ऑफ वाइट कलर का पेंट रहेगा, तो उसको करने का क्या प्रोसेस है और उसको करने में उसके बेनिफिट्स है करने के और कैसे उसको किया जाता है। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं इकबाल भाई, इकबाल भाई से जानेंगे कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। तो इकबाल भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। अब ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये कोर है, उस पर हमने जो है बॉडी पिलर भर दिया है। अच्छा, जहाँ जहाँ भी इसमें स्पॉट वगैरह है ये इसमें। अच्छा, जो ये आपने वुड फिलर भरा हुआ है इसमें, जो भी खड्डे थे खड्डों में फिनिशिंग के, अभी आप इसे सैंडिंग पेपर से सैंड करोगे, पेपर से सैंड करने के बाद इसको सीलर से भराई होगी। अच्छा, सीलर से आप इसकी भराई करोगे। आप इसमें कौन सा सीलर यूज करोगे, सैंडिंग सीलर या एक्सटीरियर सीलर? मैं सैंडिंग सीलर यूज करेंगे। सैंडिंग सीलर इस्तेमाल करेंगे आप इसमें अभी। उसके बाद सर ये है, सिलर के बाद रेगमाल लगाएंगे, पुट्टी दोबारा ये पुट्टी खींचेंगे इसको। अच्छा, ये पुट्टी करके रखे हुए हैं दूसरा कोट। अच्छा, जो ये सारे आइटम्स हैं, जैसे कि जो अंदर वाली अलमीरा है उसके डोर्स हैं, ये ड्रॉर हैं और ये काउंटर है, स्टडी काउंटर काउंटर्स उसी। जैसे कि
आप देख रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे ये वुड फिलिंग इसमें कर दी है पूरी, उसके बाद सैंडिंग सेलर का इसमें यूज़ करेंगे। सैंडिंग सेलर को करने के बाद में फिर इसमें दोबारा से फिलिंग होगी, फिलिंग करने के बाद फिर इसको सैंड किया जाएगा और उसके आगे का जो प्रोसेस है वो आपको वीडियो में दिखाते हैं। ये इसको हम गाड़ियों पर भी यूज़ करते हैं पेंट अच्छा, को अच्छा अच्छी फिनिशिंग के लिए इस पेंट को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो आप इसमें ऑफ वाइट कलर का पेंट करने वाले हैं? ऑफ वाइट करना है, प्यू कोट। अच्छा, अगर हाई ग्लोस करना होगा तो उसके ऊपर से प्यू डाल देंगे? उसके ऊपर से अच्छी क्वालिटी का प्यू डाल देते हैं, प्यू की कोटिंग कर देंगे उसके ऊपर से। तो जैसे कि आपको बताया एक्सपर्ट ने कि उसमें ग्लोस चाहिए होता है, क्योंकि जो पेंट इसमें करने वाले हैं उसमें ग्लोस कम होता है, और अगर ज़्यादा ग्लोस की ज़रूरत पड़ती है तो उसके ऊपर आप कोई भी ग्लोसी वुड फिनिश है वो उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे वीडियो बने रहिए हमारे साथ और हम आपको दिखाएंगे पूरा प्रोसेस कि ये कैसा लगता है। और ये इसकी घिसाई के लिए सैंडिंग पेपर से सैंडिंग करने लगे हैं, जो कि आप देख रहे हैं। ये सैंडिंग पेपर जो है कितने नंबर का है? ये सर 220 नंबर का ये सैंडिंग पेपर है, जिससे ये इसको घिसा जा रहा है, सैंड किया जा रहा है। अभी सैंडिंग करने के बाद इसमें फिर सेलर का जो सैंडिंग सेलर होता है उससे इसकी एक कोट इसमें लगाएंगे सैंडिंग सेलर का। अभी सैंडिंग सेलर का इसमें एक कोट लगा चुके हैं, जो आप ये पाउडर देख रहे हैं, ये जो पाउडर है ये सैंडिंग सेलर का ही पाउडर है ये, और ये काफ़ी स्मूथ भी हो गया है अभी 220 नंबर का रेगमाल से इसकी जब ये कटाई कर रहे हैं। सैंडिंग करने के बाद इसकी कपड़े से अच्छे से सफाई कर लेनी है, जैसे कि हम इसको अभी साफ़ कर रहे हैं। आप कपड़े से इसको अच्छे से साफ कर लें। ये हमारे पास है बैम्बले का सैंडिंग सेलर, ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये सैंडिंग सेलर या नीचे लिखा है एस सेलर, इसका मतलब होता है सैंडिंग सेलर। बैम्बले एक अच्छी कंपनी है जो कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है पॉलिश फील्ड में, वुडन पॉलिश के बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट आते हैं बैम्बले के। और इसको ये इसमें बनाया हुआ है सेलर को, क्योंकि जो सेलर होता है बेस कोट होता है उसमें फिर थिनर मिक्स करके उसको पतला करना पड़ता है। चलिए अब इसको देख लेते हैं, इस पर कोट लगाने जा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। सैंडिंग सेलर के इसमें 4 से 5 कोट अप्लाई करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि उसके बाद ही इसमें जो है फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो याद रहे कि ये HDHMR वुड है, जो कि बहुत हाई क्वालिटी का HDHMR है। ये एक्शन टेसा कंपनी का HDHMR वुड है ये। और ये हमारा बेस तैयार है और अभी हम इस पर अप्लाई करेंगे सरफेसर, जो कि PPG पेंट का सरफेसर आता है, वो भी हमने एशियन पेंट कंपनी का ही परचेज़ किया है, और अभी हम उसको इस पर अप्लाई करेंगे। पहले सरफेसर अप्लाई करेंगे इस पर, उसके बाद फिर पेंट अप्लाई करेंगे। और अब हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर टॉप कोट, जो कि है हमारा एशियन पेंट का PPG एस्पा कार फिनिश पेंट, जो कि सुपर सिंथेटिक NML है। इसको हम तैयार कर रहे हैं अभी। और दोस्तों, इसको बनाने के लिए इसमें एस्पा थिनर का यूज़ होता है, जो कि इसको इस्तेमाल करने का जो मैनुअल है वो पूरा इस पर दिया हुआ है कंपनी ने, जो डब्बा है उसके ऊपर पूरा मेंशन किया गया है। तो आप पहले उसको ठीक से रीड कर लें, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। जैसे कि हमने ये सरफेसर सारे जो हमारे डोर्स और ड्रॉर्स हैं उन पे अप्लाई कर दिया है, अभी हम इस पे टॉप कोड अप्लाई करेंगे। पहला टॉप कोड, इसमें टोटल हम 2 कोड लगाएंगे टॉप कोड, और अभी हम इसमें पहला कोड लगाने जा रहे हैं टॉप कोड, जो कि हमारा एशियन पेंट का PPG पेंट है।
ये देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त फिनिशिंग है और इस पर हमने टॉप कोट, पहला टॉप कोट अप्लाई कर दिया है। जो हमारा पीपीजी पेंट था उसका एक टॉप कोट हमने लगा दिया है इस पर, और ये ऑफ वाइट कलर है। इसको हमने जिस शॉप से ख़रीदा था उन्हीं से हमने इसको बनवाया था कलर को, क्योंकि ये कलर बना हुआ नहीं आता, ये आपको बनवाना ही पड़ेगा। पहले आपको उनको ऑर्डर देना पड़ेगा, वो आपसे एक दिन का समय मांगेंगे और आपको तैयार करके जो भी आपको कलर चाहिए होगा वो दे देंगे। दोस्तों बहुत ही प्यारा ये कलर लगने वाला है, और ये जो अलमीरा आप देख रहे हैं सामने खड़ी है इसमें भी यही पेंट होना है, और जितना भी प्रोडक्ट यहाँ पे रखे हुए हैं वुडन उस पर सभी में ये पेंट होना है। और ये हमने सभी पे टॉप कोट अप्लाई कर दिया है, इस पर हमने दो दो कोट अप्लाई कर दिए हैं। दोस्तों ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें फिनिशिंग है, और इसमें ग्लोस भी बहुत अच्छा खासा है। इसमें ड्यूको पेंट से ज़्यादा ग्लोस होता है दोस्तों, और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। ये पीओ लेवल का पेंट है दोस्तों, और आप इसको कर सकते हैं आसानी से, जैसे कि हमने प्रोसेस बताया इसका पूरा करने का। और ध्यान रहे कि अगर आप अंदर में ये कलर कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो आप अच्छे से दीवारों को, और अगर उसमें गिलास वगैरह शीशा लगा है तो उसको अच्छे से कवर कर लीजिए पहले, उसके बाद पेंट का काम कीजिए, क्योंकि उससे जो है आपको बाद में सफाई करने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये देखिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फिनिशिंग आई है, ये आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा ग्लोस है इसमें। और ये ब्रांडेड कंपनी है, एशियन पेंट का प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि ये अच्छा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी ये अलमीरा कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसी लगती है तैयार होने के बाद। तो दोस्तों ये हमारी अलमीरा रेडी हो चुकी है, इसके डोर्स और ड्रॉर्स सारे हमने फिटिंग कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और हमारे चैनल मॉड्यूलर वुडवर्किंग एंड फैब्रिकेशन को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जैसे कि ये अलमीरा हमने पूरी फिटिंग कर दी है, बाकी फर्नीचर अभी सारा फिटिंग नहीं किया है, और जैसे ही सारा फर्नीचर फिटिंग हो जाता है उसका अलग से एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें कि सारा जो भी फर्नीचर में हमने ये पेंट किया है वो सारा आपको दिखाएंगे, उसमें डिज़ाइन और जो भी मटेरियल हमने इसमें यूज़ किया है, क्या क्या हमने मटेरियल फर्नीचर में यूज़ किया है, और क्या इसकी जो भी इसका टेक्निकली हमने इसको बनाया है, तैयार किया है फर्नीचर को, वो सारा कुछ प्रोसेस उसमें बताएंगे, दिखाएंगे आपको कि कौन सी कंपनी की हमने इसमें फिटिंग यूज़ की है और किस कंपनी का हमने इसमें मटेरियल यूज़ किया है, और जो ये हमने मिरर लगाया है किस लिए लगाया है, स्लाइडिंग डोर बनाया है, सारा कुछ प्रोसेस उसमें बताएंगे, बेड का और वैनिटीज़ का। तो दोस्तों वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पेंट आपको कैसा लगा, क्योंकि ये पीयू लेवल का पेंट है लेकिन उससे बहुत कम प्राइस में ये हो जाएगा, तो ये आप ज़रूर करके देखें एक बार, बहुत अच्छी फिनिशिंग है दोस्तों इसमें, मैं कहता हूँ कि बहुत ही मुझे पसंद आया है ये, क्योंकि ये बहुत अच्छा पेंट है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो अगर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगर आप किसी भी प्रकार का काम करवाना चाहते हैं पॉलिश पेंट वुडवर्किंग का, तो जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों।